हैदराबाद में आज स्ट्राइक की कॉल दी थी हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी बिल्कुल दी थी। बाजार तो सब खुला है। बाजार इसलिए खुला है, गरीब आवाम है, गुर्बत है, हर चीज है, हर चीज को देखना पड़ता है। लेबर आएगी तो उनको दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी, और नहीं आएगी तो उनकी दिहाड़ी मजदूरी मर जाएगी। बस यही वजह है बाजार खुलने की। लेकिन वो नाजायज बिल भी तो थे। नाजायज बिल है, बिल्कुल है, टैक्स भी है, हर चीज है। लाइट ही नहीं आ रही है। लाइट तो वैसे ही नहीं होती ना, लोड शेडिंग तो वैसे ही कही गई है। आप कह रहे हैं एहतजाज से कुछ नहीं होगा। एहतजाज से क्या होगा, हुकूमत को चाहिए खुद अपने आप पर अफोर्ड करें, इनके जो टैक्सेस हैं ये कम करें, इनकी जो अखराजात हैं ये कम करें। हुकूमत के पास जो गाड़ियाँ दी हुई हैं, पेट्रोल फ्री दिया हुआ है, वापडा वालों को जो यूनिट फ्री दिए हुए हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म की जाएँ तो गवर्नमेंट खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि इस महंगाई के दौर में वैसे कारोबार नहीं है, दुकान बंद करके करेंगे क्या। बिल्कुल बिल्कुल, कारोबार तो वैसे ही नहीं है, टैक्सेस हर चीज़ पे लग गया है। 17% सेल टैक्स लग चुका है हमारे परचेजिंग पर, उसके बाद कंपनी अदा कर देती है, हमें अदा जो है इनकम टैक्स के जरिए किए जाते हैं, हम जो अदा करते हैं वो हम इनकम टैक्स के जरिए करते हैं। की कॉल दी थी हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, कहा था कि बाज़ार बंद करें और नाजायज़ जो बिल आ रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ बाज़ार सारा खुला है, और ताजरों ने जो है हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल को रद्द कर दिया है। बात ये है कि सबको स्ट्राइक अगर रखनी थी तो सबको एक साथ ही करनी थी, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि उन्होंने खोल लिए, कुछ दुकानदार नहीं, सब खुला हुआ है, सब खुला हुआ, सब खुला हुआ, तो मतलब स्ट्राइक तो रही नहीं ना फिर ये। तो फिर हुकूमत को ये मामला कैसे, जो नाजायज़ बिल्स हैं, महंगाई है, ये मतलब क्या करें फिर इसका, कोई बाज़ार बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाज़ार बंद करने का फ़ायदा जब होता है जब उसको सुनवाई होती है, सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारे हमने मंजन बेच लिए हैं, बाज़ार भी बंद करके देख लिया, स्ट्राइक भी देख ली, लेकिन ये होना वाना कुछ भी होना नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना हुकूमत ने। हाँ देखें, आज जो स्ट्राइक की कॉल भी दी थी नाजरीन, उसके बावजूद भी लतीफाबाद में तो लाइट गई है। लाइट तो सब जगह पे लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग हैदराबाद में सबसे ज़्यादा है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है। यहाँ पर भी लाइट गई। मतलब कोई स्ट्राइक की कॉल इनको भी पता चली होगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैसे कुछ पता है, क्या हो, मामलात कैसे सही होंगे, कैसे करने वाले सही बैठे हुए ऐसे ही हैं, तो वो क्या सही होंगे, है ना, वो कहाँ से, आवाम की उम्मीदें खुश हो गई हैं, खत्म हो गए, गुब्बारे में से हवा निकल गई, कुछ भी नहीं होगा। ये जो कॉल दी है हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम ये करेंगे, हम वो, ये जो है ये सिर्फ बेकार की बात है, और ये कुछ भी नहीं होना, क्योंकि ये तो ठंडी मशीनों से निकलते हैं नहीं, सिर्फ कॉल देने से क्या होगा। देखो ना, अभी जाके आप सब खुला हुआ है,